ओके तो रश्मि, कैसा लग रहा है अभी रूम में आके? अच्छा लग रहा है, मैं बैठ थक गया हूँ, थोड़ी अभी फिर से रेडी होना है। और लोगे तो मतलब ये इतने इतना अच्छा लग रहा है ना, ये क्या है येलो पानी? बेबी, येलो येलो, मेरे बाल चिपक गए होंगे ना, मैं ये देख रहा हूँ अभी। दिखाओ मैं बेबी बेबी तुम्हें, तुम पहन के देखो, तो अब रश्मि ट्राई करेगी एक बारी। ओ नाइस रश्मि, अब एक काम करो, बाहर खड़े होकर पानी सर्व करो। चला, मैं ये जो आउटफिट था ये लेकर आया था मेहंदी के फंक्शन के लिए। हम लोग लेट हो गए थे तो मैंने ये पहना नहीं, मैंने कहा शादी वाले दिन ही पहनेंगे, तो दिन की शादी थी, थोड़ा बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो अब हम लोग चेंज करेंगे और अब हम लोग पहनेंगे सूट, क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ पे ठंडा हो ही जाता है, दिन के टाइम पे सूट भी नहीं पहना जाता, रात के टाइम पे ठंडा जाता है। क्या है आपको, क्या पहनेगी रश्मि, क्या पहनेगी रश्मि, क्या पहनेगी रश्मि, क्या पहनेगी, क्या पहनेगी? पागलबंदी ऐसी चलती रहेगी। गाइस, अगर आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। ओके तो गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं, मतलब अभी मेरे को केवल ऊपर से कोट पहनना है, और जो रश्मि है वो भी रेडी होने वाली है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको उसका भी आउटफिट, बहुत प्यारी लग रही है। पीछे से आ गई है, देखो जी, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो गाइज, ये कुछ कपड़ा था जो रश्मि ने हमारी इंगेजमेंट के टाइम पे पहना था, और इसमें कोई इतनी प्यारी लगी थी ना, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, सगाई कर लूँ इससे। सगाई तो हो ही रही थी हमारी, मतलब बस क्या बोलूँ, मतलब ऐसा मन हो गया था कि भाई इसने सबको फेल कर दिया था उस समय। आप एक बारी बस ये प्यारी सी लड़की को देख लो। लड़की, थैंक यू, मुझे लड़की बोलने के लिए लोकेश। कभी कभार थोड़ा कुछ खुश करना पड़ता है बीबी, वो कभी कभी मुझे सुनाई दे रहा है लोकेश, ऑब्वियसली ठीक है। और बाकी रूम तो देखो, रश्मि ने रूम को पूरा फैला के रख दिया है, मैं ठीक कर दूंगी यार। ठीक है, यहाँ पे मैडम के सारे अपने लाइट वॉश वाला सारा सामान रखा हुआ है। ठीक है जी, तो अभी मैं भी सूट वूट पहनता हूँ, चलते हैं नीचे, रिसेप्शन है, और मतलब रिसेप्शन के अंदर में वरमाला होने वाली है उन लोगों की। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे यार थोड़ी देर के अंदर। हम लोग निकल रहे हैं इस समय लखन नीतू के रिसेप्शन के लिए, ठीक है, और मिलते हैं आपसे। सारे घराते रेडी है यहाँ पे, लेकिन ये बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा भाई। चलो चलें, चलें बाहर, चलो आओ, नची नची करेंगे बाहर चल के। हेलो गाइस बोल दो, हाय गाइस बोल दो, बोलो बोलो, हाय गाइस, आ जाओ। चलो तो एक बारी वेन्यू पे चलते हैं, पीछे जहाँ पे रिसेप्शन पार्टी चल रही है, और यहाँ पे हमारी मैडम चलते हमें मिल गई है पूनम भी बेस्ट ऑफ बाय। तो अभी जस्ट हम लोग लखन से मिलकर आ रहे हैं भाई बाहर से, भाई एक नंबर लग रहा बंदा हमारा, और टक्कर देने के लिए हमारी नीतू रेडी हो रही है अभी उसको अंदर में, और यहाँ पे हमें अंदर गुस्से के साथ में मिली है दिव्या मैडम, ओए 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 ओए, हवा हवाई हमारी। चलो यहाँ पे रश्मि खेल रही है इस समय एक बच्चे के साथ में, और बच्चे को कर दिया इसने इरिटेट, मेकअप करने के बाद थोड़ा लड़कियों को देख के बच्चे डर ही जाते हैं। तो चूड़िया हाथ में पहनने वाली तूने कानों में डाल ली है ना, यही वाली हंसी चाहिए थी, बस तूने काम पूरा कर दिया, थैंक यू सो मच। ऊपर की साइड वहां पर ये यही वाली जगह पर होने वाला है लखन और नीतू का जय माला का प्रोग्राम। तो गेस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं सारे के सारे अभी हमारे, और यहाँ पे दिव्या रश्मि आगे चलते हुए, अंदर में होने वाला है सुपर धमाल, क्योंकि अब हम लोग मतलब दिव्या और पूनम सारी की सारी बेस्ट फैमिली जो है वो इस समय सारी की सारी जिम्मेदारियों से एकदम हट चुकी हैं, और वो एकदम रिलैक्स हो चुकी हैं इस समय, और अब वो मारेंगी चौके छक्के से, मतलब चौका छक्का मारेंगे यहाँ पे अभी थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वो थोड़ा शर्म आ रही है उनको बात करने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं उनसे आपको बात करवा सकूं। तो यहाँ पर अपनी एक जिम्मेदारियों से मुक्त होते हुए आंटी ने अपना तोड़ दिया है फास्ट, और खाने लग गई है यहाँ पे, क्या खा रहे हो, छोले कुलचे, सेहत बना रहे हैं यहाँ पे। ओहो यहाँ पे तो गीतिशा भी पहुंच चुकी है, यस, अरे वाह गीतिशा, वेरी गुड। और गीतिशा का ये वाला आउटफिट मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे अभी मेरी सिस्टर ने पहन ली है साड़ी, चेंज वेंज करके आ चुके हैं सारे के सारे, मतलब सबके सभी, अरे
रुकने का नहीं, रुकने का नहीं। एज यूजुअल मेरी मम्मी आते के साथ में कहीं नजर नहीं आएंगी, वो आएंगी तो सीधा खाने के काउंटर पे नजर आने वाली है। हाँ मम्मी, क्या ले रहे हो आप अपने लिए? दिन में भी खोले छोले कुलचे, हल्दी के टाइम पे भी छोले कुलचे। अपना बचपन याद आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे रश्मि भी स्टार्ट हो गई, अपनी प्लेटों पकड़ती नहीं, मतलब दिखाने के लिए सबसे पहले ये करती कि मैं कुछ खाती नहीं, लेकिन दूसरों की प्लेटों के अंदर में से सबसे ज्यादा यही खाती रहती है, चुपती रहती है। मतलब अगर दो कुलचे लिए ना तो डेढ़ ये खा चुकी होगी। तो यार सारे के सारे फैमिली वाले इस समय एंजॉय कर रहे हैं कि थोड़ी देर के अंदर में नीतू और लखन आने वाले हैं हमारे यहाँ पर, और उसके बाद सबके सब उसके पास उनके उनके पास चले जाएंगे सबके सब। और उससे पहले पेट पूजा हो जाए। हाँ मैं तो खा नहीं सकता, लेकिन हाँ रश्मि जरूर से खाएगी गोलगप्पे। मैं उसको गोलगप्पे खिलाकर आता हूँ, मेरे गोलगप्पे को। यहाँ पे पहुंच चुके हैं लोग गोलगप्पे खाने के लिए, और बिना कटोरी का वेट करे रश्मि से रुका नहीं जा रहा। खा लो भाई। गोल गप्पे नाव जैसे ही होते हैं बेसिकली। ओए ओए ओए, अरे ओए ओए, चार बारी बाइट करने के बाद रश्मि को स्वाद आया गोल गप्पे का। बोलो बोलो जल्दी बोलो, 3 सेकंड, 3, 2, 1। बस अभी तक गोल गप्पा नहीं खाया गया रश्मि से। अब मेरी बहन खा के दिखाएगी, हट जाओ पीछे। 5 सेकंड है, उसके बाद तेरे को बात करनी है। 3, 5, 4, 3, 2, 1। नाम खराब कर दिया इसने पंतों का, हट बेकार। तो भाई हमारे ब्यूटीफुल कपल लखन एंड नीतू एंटर करने वाले हमारे वेन्यू पे। स्टार्ट हो गई हमारे नीतू एंड लखन की ग्रैंड एंट्री। And there are so many Kalinas!